हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 6 में थ्योरम 6.1 जो है थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम में क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एक लाइन डीई पैरेलल टू डीबीसी खींची गई है और हमें प्रूव करना है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, DM हमने AC के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है, EN से AB का परपेंडिकुलर खींचना है, D और C को ज्वाइन करेंगे, B और E को ज्वाइन करेंगे। तो ये चार कंस्ट्रक्शन के पॉइंट हैं। चलिए प्रूफ पे चलते हैं। फिगर में पहले तो ट्रायंगल का एरिया लिख लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, ये आप सबको पता है। ADE का एरिया, ये वाली ट्रायंगल, हाफ इंटू AD इंटू EN, AD हो गया बेस, EN हो गया परपेंडिकुलर, और इसको इक्वेशन बना दी 1। फिर लेंगे ट्रायंगल BDE, यहाँ पर बेस होगा BD और परपेंडिकुलर है EN, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है तो इसलिए इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो बाहर से खींचा गया है। तो हाफ इंटू BD इंटू EN, 1 और 2 को डिवाइड किया, EN और हाफ हाफ कट जाएंगे तो AD अपॉन BD ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। उसके बाद दोबारा फिर से ADE ट्रायंगल उठाएंगे, इस बार परपेंडिकुलर होगा DM और बेस होगा AE, तो हाफ इंटू AE इंटू DM। फिर ट्रायंगल उठानी है आपने DEC, यही चीज़ बेस EC है लेकिन परपेंडिकुलर बाहर से, दैट इज़ DM, ये आ गया। अब 4 और 5 को भी डिवाइड कर देंगे तो AE अपॉन CE आ जाएगा, हाफ और DM कट जाएंगे। अब आप देखोगे 3 और 6 में ADE और ADE तो सेम है लेकिन नीचे BDE और DEC का फ़र्क है, ये एरिया आपस में इक्वल है क्योंकि इनका बेस सेम है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे ट्रायंगल पे देखेंगे DBE इसका बेस हो गया DE, DEC इसका भी बेस हो गया DE, तो बेस सेम हो गया और ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, दैट इज़ DE एंड BC, तो इसलिए इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो BDE का एरिया को DEC से रिप्लेस कर देंगे 3 में, तो BDE की जगह DEC लिख दिया और AD अपॉन BD आ ही रहा है। 7th का राइट साइड AD अपॉन BD है और 6th का राइट साइड AE अपॉन EC है और दोनों के जो लेफ्ट साइड हैं वो इक्वल हैं, तो फिर AD अपॉन BD AE अपॉन EC के इक्वल हो गया और यही प्रूव करना था। थैंक यू।